Hello students, in the last video we have studied about the divergence and del operator. Now in this video we will study about the curl and gradient. Okay, so what is curl? First hum log study karenge curl. Curl kya indicate karta hai, curl kya show karta hai aapke liye. Okay, to curl ek tarah se circulation ko show karta hai. Curl means circulation. Okay, तो सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कर्ल क्या बोलता है? कर्ल एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल सर्कुलेशन इन एनी क्लोज लेंथ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ओके, सपोज करिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं आपको ये बात शो करने के लिए. ओके, तो ये बोल रहा है कि जो टोटल सर्कुलेशन है इन एनी क्लोज लेंथ, ये आपका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. And this constant depends upon the central cause. Okay, ये जो constant है ये depend करता है आपका central cause पे, ठीक है. अगर मैं आपकी बात करूँ curl के एक example की, तो आप बोल सकते हैं air velocity under the fan, ठीक है ना, जो आपका fan move करता है ना, circulation होता है एक, तो air velocity under the fan, ठीक है. तो curl क्या बोलता है आपको, curl is total circulation in any closed length is always constant and this constant depends upon the central cause. So total circulation, okay, equal to kitna ho jayega aapka yahan par, ye ho jayega strength. Okay, divergence mein bhi aapne strength study ki thi, into area tha, yahan par kya ho jayega, into length ho jayega. Clear hai acche se? Aur ye always kya hoga aapka, constant hoga. और ये जो आपका कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा सेंट्रल कॉज पे. क्लियर है अच्छे से? सेम स्टडी हमने डाइवर्जेंस में भी की थी. क्लियर है? तो कर्ल एक्चुअल में क्या शो करता है, क्या फिजिकल मीनिंग है कर्ल की, टोटल सर्कुलेशन इन एनी क्लोज लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल कॉज. ठीक है, मैंने इस स्टेटमेंट को 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्लियर है अच्छे से? अब इसकी मीनिंग क्लियर हो जाने के बाद यहां पर मैं फॉर्मूलेस देखना चाहूंगा कर्ल के. तो कर्ल के फॉर्मूले क्या-क्या होते हैं देखिए. अगर मैं यहां पर वेक्टर ए ले लूं, ax ax plus ay ay plus az az, ओके, तो जो कर्ल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ल इस तरह से शो होता है, डेल क्रॉस वेक्टर ए. ओके, तो एक्चुअल में क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ax plus del y del y ay plus del y del z az. ओके, का क्रॉस प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करना है किसके साथ, वेक्टर a के साथ. तो ax ax plus ay ay plus az az. ओके, तो ये एक्चुअल में कर्ल का रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूले का. ओके, तो आपको पता है कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप वाया डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल क्रॉस ए को. देखिए यहां पर ये हो जाएगा ax ay az. ऑलरेडी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा चुका हूं वेक्टर एनालिसिस वाली वीडियोस में. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लास्ट रो ax ay एंड az. तो बड़े आराम से आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ a. ठीक है, नाउ ये फार्मूला था आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का. अब फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि हमें अब फार्मूला लिखना है कर्ल ऑफ a का फॉर सिलैंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो मैं यहां पर फिर से आपको एक ट्रिक शो करूंगा जो मैं ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस से यूज करता आया हूं in terms of h1 h2 h3 and in terms of uvw. ठीक है, तो आप लास्ट की वीडियो यूज कर सकते हैं उन ट्रिक्स के लिए. तो ये ट्रिक क्या है आपकी कर्ल के लिए, एक जनरलाइज्ड फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, 1 अपॉन h1 h2 h3. ओके, अंदर आ जाएगा आपका au av aw del अपॉन del u del अपॉन del v del अपॉन del w कैपिटल au कैपिटल AV कैपिटल AW. बट यहां पर थोड़ा सा और आपका फार्मूला है, यहां पर आपको फर्स्ट रो में H1 H2 और H3 से मल्टीप्लाई करना है
और लास्ट रो में भी H1, H2 एंड H3 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका होता है जनरलाइज फॉर्मूला कर्ल का। इसके थ्रू आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो मैंने ट्रिक सिखाई है कि H1, H2, H3 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है और U, V, W जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, ओके। तो यहां पर अब अगर मैं डेल क्रॉस ए को लिखूं फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/H1, H2, H3। H1 क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 1। H2 क्या होता है आपका, रो होता है। H3 भी क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1/ρ, ओके। एंड अंदर क्या हो जाएगा आपका, H1 हमें पता है 1 होता है, U क्या होता है आपका, रो होता है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, सिलेंड्रिकल के लिए H1 1, H2 रो, H3 1 होता है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं ना। U जो होता है वो क्या होता है, रो, V क्या होता है, फाई, W क्या होता है, Z, ओके। मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा आपका, ए रो, ओके, फिर क्या हो जाएगा, रो ए फाई देन ए जेड, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, ओके। एंड लास्ट रो में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल ए रो, रो कैपिटल ए फाई एंड ए जेड, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया यहां पर कर्ल का इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। नाउ सिमिलरली अगर मैं कर्ल का फॉर्मूला लिखूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा, मैं फिर से यहां पर H1, H2, H3 की वैल्यू लिख देता हूं। H1 होता है 1, H2 होता है आपका R, H3 होता है आपका R साइन थीटा, ओके। उसी तरीके से U होता है आपका R, V होता है आपका थीटा एंड W होता है आपका फाई, ठीक है। ये होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1, H2, H3 एंड U, V, W, ओके। नाउ फिर से फॉर्मूला क्या है, 1/H1, H2, H3, दैट इज 1/R² साइन थीटा, ओके। देन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, H1 into AU मींस आपका हो जाएगा AR, ओके। देन H2 into AV दैट मींस R A थीटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, H3 into AW दैट इज R sin थीटा A फाई, ओके। ये हो गया आपका, क्लियर है अच्छे से। नाउ सेकेंड रो बहुत आसान है लिखना, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, ओके। नाउ थर्ड रो, बस स्मॉल की जगह आपको क्या लिख देना है, कैपिटल, तो कैपिटल ए आर, आर इंटू कैपिटल ए थीटा, आर साइन थीटा इंटू कैपिटल ए फाई, क्लियर है यहां तक अच्छे से। तो ये हो गया आपका डेल क्रॉस ए इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे अभी तक हमने कर्ल के फॉर्मूले, डाइवर्जेंस के फॉर्मूले, डेल ऑपरेटर के फॉर्मूले, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले, सब के सब फॉर्मूले हमने इसी H1, H2, H3 एंड UVW की ट्रिक से लिखे हैं। तो समझ में आ रही है बात, अगर आप ये ट्रिक दिमाग में रख लें तो आप सारे के सारे फॉर्मूले लिख पाएंगे। सिर्फ एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा हर एक कंसेप्ट के लिए, ओके, क्लियर है यहां तक अच्छे से। नाउ अब जिस तरह से हम लोगों ने डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस थ्योरम स्टडी किया था, उसी तरीके से कर्ल में हम लोग एक थ्योरम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक्स थ्योरम, ओके। जिस तरह से डाइवर्जेंस थ्योरम में आपने देखा था कि न्यूमेरिकल में उसका यूज बहुत ज्यादा था, सेम स्ट्रोक्स थ्योरम का यूज भी न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो स्ट्रोक्स थ्योरम स्टेट क्या करता है, इसका यूज क्या होता है बेसिकली, तो स्ट्रोक थ्योरम स्टेट करता है कि टोटल सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड अ क्लोज लेंथ, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, टोटल सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड अ क्लोज लेंथ और क्लोज पाथ, ठीक है ना। सर्कुलेशन मतलब डीएल, ठीक है, अराउंड अ क्लोज लेंथ, आपको बोला भी है क्लोज लेंथ, ये सर्कल क्या शो कर रहा है, क्लोज्ड, और लेंथ मतलब इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में होगा आपका, लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ए डॉट डीएल क्या बोल रहा है, किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए,
सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए, मींस डेल क्रॉस ए के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा, लेकिन यहां पर सरफेस जो होगी ना आपकी वो होगी ओपन सरफेस, ये आपको ध्यान रखना है। मींस जो क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड लेंथ है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा आपका, ओपन सरफेस होगी। क्लियर है अच्छे से यहां तक? तो ये शो करता है आपका स्ट्रोक्स थ्योरम, और इसी स्ट्रोक्स थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, यहां पर मैं आप कुछ न्यूमेरिकल्स कंसीडर करने वाला हूं ओवरऑल कर्ल टॉपिक के लिए। ओके, तो जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको वेक्टर ए यहां पर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस एक्स इंटू ए जेड। ओके, और आपको बोला है कि आप कर्ल ऑफ वेक्टर ए यहां पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, डायरेक्टली आप जो आपका डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में अगर मैं जाऊं तो डेल क्रॉस ए आप किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बहुत आसान है लिख पाना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, कैपिटल ए वाई दैट इज जीरो, एंड कैपिटल ए जेड दैट इज एक्स। ओके, अब आप बड़े आराम से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो ए एक्स कॉमन होगा तो अंदर क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, डेल बाई डेल जेड ऑफ जीरो जीरो, तो ए एक्स के साथ क्या आ गया जीरो, माइनस ए वाई कॉमन लीजिए। अब नेक्स्ट सॉल्व ऐसे ही करते हैं ना हम लोग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए वाई अगर लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डेल बाई एक्स का एक्स, ठीक है ना, मीन्स आपको एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, जेड का टर्म ही नहीं है तो माइनस जीरो। ओके, प्लस ए जेड लास्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए आप, ए जेड के लिए करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई दैट इज एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और वाई का क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका आंसर बन गया, माइनस ए वाई, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर ए जेड, फिनिश। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्पेशली जब आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा जाए। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैं यहां लेने जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपको, अगेन वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और यहां पर आपको गिवन है कॉस थीटा ए आर प्लस आर कॉस फाई ए थीटा प्लस साइन थीटा ए फाई। ओके, क्लियर है आपको कि आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और आपको यहां पर कर्ल ऑफ ए डिटरमाइन करना है। ठीक है, कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पीछे लिख चुके हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप रिफर कर सकते हैं। बाहर क्या था आपका, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और इनसाइड क्या है आपके, फर्स्ट रो क्या है आपकी, हम वहां से रिफर कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो ए आर आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई। ओके, तो आप कॉपी कर दीजिए ए आर, ओके, आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रो। सेकेंड रो है डेल बाई डेल आर, ओके, देन डेल अपॉन डेल थीटा, देन डेल अपॉन डेल फाई, मेन होती है आपकी थर्ड रो। ठीक है ना, थर्ड रो में पहला क्या आएगा, कैपिटल ए आर कितना है, कॉस थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड क्या होता है आपका, देखिए आर इंटू कैपिटल ए थीटा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस फाई। ओके, एंड थर्ड क्या होता है, आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है अच्छे से? तो अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि आपका ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है पहले से, और अंदर में आप ले सकते हैं
सबसे पहला क्या है आपका ए आर, तो आप ए आर के लिए सॉल्व करिए पहले, तो क्या आ जाएगा देखिए आप डेल बाय डेल थीटा ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहां पर आर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा फिर कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉन्स्टेंट पहले से अवेलेबल था तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आर, ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसे, ये हो जाएगा टू आर साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अगला कुछ आ रहा है और देख लीजिए आप यहां से, डेल अपॉन डेल फाई आर स्क्वायर कॉस फाई का आपको करना है डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में, क्लियर है अच्छे से। अगेन जो आपका आर स्क्वायर है वो तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉस फाई का क्या होता है माइनस साइन फाई होता है, हमें पता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन फाई, ठीक है, तो आप लिख लीजिए माइनस आर स्क्वायर साइन फाई, ये हो गया आपका ए आर का माइनस आर ए थीटा, नेक्स्ट टर्म आपका यही है ना आर ए थीटा, ठीक है, बीच वाले टर्म के लिए माइनस होता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। नाउ डेल बाई डेल आर ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो आर का वन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रह जाएगा, तो लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर देखिए आप, यहां पर जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन डेल बाय डेल फाई ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अच्छे से क्लियर है, तो यहां पर आप लिख लीजिए जीरो प्लस आर साइन थीटा ए फाई, ओके, ठीक है, लास्ट में आपका यही है ना आर साइन थीटा ए फाई, तो ध्यान से देखिए डेल बाई डेल आर का आर स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है, मीन्स आर स्क्वायर कॉस फाई का डिफरेंशिएशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो कॉस फाई कॉन्स्टेंट है क्या हो जाएगा टू आर, तो क्या होगा टू आर कॉस फाई, टू आर कॉस फाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, क्लियर है अच्छे से यहां तक। एक चीज और है आपका पॉइंट कि यहां पर ऑलरेडी एक माइनस साइन आना था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्लियर, तो फिर आपका एक और करेक्शन है यहां पर, देखिए जो आपने माइनस आर स्क्वायर साइन फाई लिखा था, ठीक है ना, आपका आर स्क्वायर साइन फाई कैसे आया था जब आपने डेल बाई डेल फाई के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर कॉस फाई का डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस साइन फाई ना, और ऑलरेडी एक माइनस साइन था, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होता है आपका कर्ल का फॉर्मूला फॉर वेक्टर ए डेल क्रॉस ए, क्लियर अच्छे से। नाउ अब एक क्वेश्चन मैं यहां कंसिडर करने जा रहा हूं स्ट्रोक्स थ्योरम के ऊपर, तो स्ट्रोक्स थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा डायग्राम वाइज होगा आपका, ठीक है, उसमें आपको सर्कुलेशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए जो गिवन है वो है आपका रो कॉस फाई ए रो प्लस साइन फाई ए फाई, ओके, और आपको कैलकुलेट करना है ए डॉट डी एल, ठीक है ना, क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन अराउंड द क्लोज्ड पाथ, ओके, और आपको यहां पर एक फिगर गिवन है, जो पाथ है ना वो आपको गिवन है, तो ये आपका पाथ है एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके, और यहां पर आपका इस तरह से आपका पाथ गिवन है, ओके, तो लाइक दिस, एंड ये आपका मूव कर रहा है इस तरह से, ओके, नाउ यहां पर आपका पाथ है, ओके, ये रहा आपका पाथ, ओके, तो मैंने यहां पाथ ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, ठीक है, तो जो पाथ है आपका वो जो मैंने बोल्ड लाइन से ड्रॉ किया है सिर्फ वही है आपका पाथ, ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट पाथ, एरो कुछ इस तरीके से है आपके, ओके, तो क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ओके, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ठीक है, यहां पर आपको कुछ एंगल्स भी गिवन है, ये आपको एंगल गिवन है
30 डिग्री और ये जो एंगल है आपका बड़ा वाला ये आपको गिवन है 60 डिग्री ओके। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फिगर गिवन है, तो आपको इस क्लोज्ड पाथ के लिए सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है ओके। तो अब अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट में आ जाऊं ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब ये जो आपका क्लोज्ड पाथ है ठीक है ना, ए डॉट डी एल, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ठीक है। पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डॉट डी एल ठीक है। कहां से कहां लिख सकते हैं आप इसको, ए टू बी, दैट मीन्स पाथ ए बी प्लस ए डॉट डी एल, फिर क्या हो जाएगा पाथ आपका बी सी ओके, प्लस ए डॉट डी एल, फिर आपका पाथ क्या हो जाएगा सी डी, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका डी ए ओके। तो हम लोग सारे लिख देते हैं सी डी और ए डॉट डी एल, और ये हो जाएगा आपका डी ए ठीक है। तो हम वन बाई वन चारों पाथ के लिए इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका ए डॉट डी एल ए बी ओके। तो यहां पर ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अब आप पाथ को अगर ध्यान से देखें, ए टू बी आप मूव कर रहे हैं, ए टू बी, तो अगर आप ध्यान से यहां समझें तो ए टू बी में आपका एंगल चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ठीक है ना। एंगल जो है वो 60 डिग्री से आप 30 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। एक और पॉइंट आपको यहां पर क्वेश्चन में वैसे मेंशन था, वो ये था आपका ठीक है, ये लेंथ दी थी 2 और ये दी थी आपको 5 ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप एंगल चेंज हो रहे हैं जब आप ए से बी में जा रहे हैं 60 डिग्री टू 30 डिग्री ठीक है। तो आपका जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री टू 30 डिग्री, ए टू बी 60 टू 30 ओके। तो आपका किस पे चेंजेस आ रहा है एक्चुअल में, आपका फाई में चेंज आ रहा है ठीक है ना। और आप यहां से समझ भी सकते हैं वेक्टर ए को देखकर, ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है ठीक है। तो यहां पर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फाई में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका डीएल है वो कितना हो जाएगा। डीएल पहले मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए, डीएल होता है आपका जब फाई में सिर्फ और सिर्फ चेंज आए, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ए फाई ओके। और जब फाई में चेंज होता है किससे मल्टीप्लाई होता है, एच टू से। एच टू क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रो, तो रो डी फाई ए फाई, ये हो गया आपका डीएल। जब आप ए डॉट डीएल करेंगे ठीक है, तो ए फाई डॉट ए फाई वन हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सामने क्या आएगा आपका साइन फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई ओके, देन डी फाई, और सामने आपका रो से मल्टीप्लाई था, सामने आप लिख देंगे रो ठीक है। और अब आप ध्यान से यहां पर ये भी देख सकते हैं कि जब आप ए टू बी जाते हैं ठीक है, तो आपका जो है फाई है वो तो चेंज हो रहा है 60 टू 30 ठीक है, लेकिन जब आप ए टू बी जाएंगे तो ये जो आपका रो है, रो मींस क्या है, एक तरह से हम जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, रो क्या शो कर रहा था, सर्कल की रेडियस शो करता है ना आपका रो, तो ये जो है रेडियस क्या है आपकी 2 की 2 ही रह जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर आप पूरा एक्सटेंड कर दीजिए इस फिगर को, तो रेडियस आपकी 2 की 2 होगी, यहां पर भी रेडियस क्या होगी आपकी 5 हो जाएगी ठीक है ना। ये सब आपका रेडियस को शो कर रहा है, नथिंग एल्स ठीक है ना। तो जो आपका रो है वो कॉन्स्टेंट होगा 2 पर, तो कितना हो जाएगा साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई ठीक है, और रो जो है वो कॉन्स्टेंट है 2 पर, और लिमिट क्या होगी 60 डिग्री टू 30 डिग्री ओके। हमें कॉस 60 भी पता है और कॉस 30 भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो आंसर जो है आपका वो बच जाएगा 1-√3, क्लियर है अच्छे से। तो ये हो गया आपका पाथ ए बी के लिए ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूं पाथ बी सी के लिए ठीक है, दैट मीन्स पाथ बी सी ए डॉट डी एल इन पाथ बी सी ओके। तो यहां फिर से डीएल क्या होगा, डीएल को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि चेंज क्या हो रहा है। तो आप देखिए पाथ बी सी में, ये देखिए आप रेडियस जो है आपकी वो 2-5 हो रही है, जो आपका फाई है वो सेम है 30 डिग्री पर, बट रेडियस क्या हो रही है 2-5 ओके। तो आप लिख लीजिए यहां पर कि फाई इज सेम एट 30 डिग्री ठीक है, और जो रेडियस है
वो हो रही है 225, ठीक है, दैट मींस आपका जो dl है वो क्या हो जाएगा, d rho a rho, और इसमें आपका h1 से मल्टीप्लाई होगा, h1 क्या होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक आपका क्या आ जाएगा, a dot dl, ठीक है। तो अगर आप a rho देखें तो कैपिटल a, वेक्टर a में अवेलेबल है a rho का टर्म, तो a rho dot a rho क्या हो जाएगा, 1, तो क्या बचेगा, rho cos phi, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका rho cos phi, ओके, और आपका यहां पर है कितना d rho, ठीक है। तो अगर आप अभी से सॉल्व कर लें तो cos phi मतलब cos 30, cos 30 हमें पता है कितना होता है √3/2, ये आउटसाइड हो जाएगा, कांस्टेंट है। नाउ rho का कितना हो जाएगा, rho square by 2, लिमिट क्या है 225, ओके। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा rho square मतलब 25 माइनस rho square मतलब 4, तो 21/2, तो ये हो जाएगा 21√3/4, ठीक है। ये हो गया आपका पाथ बीसी के लिए। नाउ पाथ सीडी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं यहां पर, तो फिर से हमें ए डॉट डीएल कैलकुलेट करना है, लेकिन ए डॉट डीएल कैलकुलेट करने से पहले या डीएल को निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फिगर में क्या चेंज हो रहा है आपका। तो पाथ अगर सीडी आप देखते हैं तो अगेन देखिए आप रेडियस 5 में ही हैं, ठीक है ना, मतलब रो आपका कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, देखिए आप 30 डिग्री से जा रहे हैं 60 डिग्री वाली लाइन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि रेडियस इज 5, रो इज 5, ठीक है, आप जा रहे हैं 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इसका मतलब dl फिर से आपका क्या हो जाएगा, रो d phi a phi सेम रहेगा, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं d phi a phi के लिए। नाउ आपका जो फॉर्मूला है a का वो क्या है, a का इक्वेशन क्या दिया है, a phi के साथ sin phi गिवन है ना, ठीक है ना, तो sin phi आ जाएगा आपका यहां पर, तो sin phi, ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा, रो भी आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, d phi आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका हो गया रो sin phi d phi। अब यहां पर रो आपका फिर से कांस्टेंट है 5, sin phi का फिर से क्या हो जाएगा आपका, माइनस cos phi, लिमिट क्या है 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। जो आपका आंसर है यहां पर देखिए, रो आपका कांस्टेंट है तो 5 ही रह जाएगा। अब cos 30 कितना होता है आपका, √3/2, तो √3 - 1, क्योंकि cos 61/2 होता है, तो √3 - 1/2 इनटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 आपका आउटसाइड था, क्लियर हो गया यहां तक। नाउ लास्ट जो है आपका पाथ, वो है आपका पाथ DA। तो पाथ DA के लिए फिर से आपको a dot dl कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, यहां पर ये ओपन ही रहेगा ना, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना होगा a dot dl। नाउ अब अगर मैं देखूं यहां पर फिर से dl क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको फिर से फिगर को एनालिसिस करना होगा। तो पाथ DA देखिए, आप रेडियस 5 से रेडियस 2 पे आ रहे हैं, एंगल तो 60 डिग्री कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि phi इज कांस्टेंट एट 60 डिग्री, और आप जा रहे हैं 5 टू 2 रेडियस, ठीक है। dl आपको क्लियर हो गया होगा, रेडियस चेंज हो रही है, रो चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, d rho a rho, तो आप लिख लीजिए यहां पर d rho आपका आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप यहां पर देखेंगे वेक्टर a के फॉर्मूले में तो a rho dot a rho 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, rho cos phi, तो यहां पर आप आगे लिख सकते हैं rho cos phi, ओके। तो अब आप फिर से देख सकते हैं rho का क्या हो जाएगा, rho square by 2 cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, लिमिट क्या है, लिमिट है आपकी 5 to 2, ओके, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, और अंदर क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा 4/2, 2 बचेगा माइनस, इधर क्या बच जाएगा 25/2, ओके, तो ये आपका अंदर बच जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर अब आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, -21/4, ठीक है ना। अब फुल एंड फाइनल आपको क्या करना है, कैपिटल a डॉट dl के लिए आपको सभी वैल्यूज को यहां पर ऐड कर देना है, ठीक है।
तो सारी वैल्यूज मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। पहली वैल्यू क्या थी आपकी, 1 माइनस रूट 3 प्लस। नेक्स्ट वैल्यू आपके लिए क्या है यहां पर, नेक्स्ट वैल्यू है 21 रूट 3 अपॉन 4 प्लस। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, 5 बाय 2 रूट 3 माइनस 1 एंड लास्ट वैल्यू है -21/4। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो ये हो गया आपका कैपिटल ए डॉट डी एल। ठीक है, अच्छे से क्लियर है यहां पर। अब जैसा मैं बोला, स्ट्रोक्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके न्यूमेरिकल में। आपने यहां पर इतना बड़ा कैलकुलेशन किया, क्या स्ट्रोक्स थ्योरम से ये कैलकुलेशन स्मॉल हो सकता था, ये अब हमें समझना होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर स्ट्रोक्स थ्योरम मेथड नंबर 2। स्ट्रोक्स थ्योरम आपका क्या था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से स्ट्रोक्स थ्योरम को। स्ट्रोक्स थ्योरम में आपको ये गिवन था कि अगर आपको क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड अ क्लोज पाथ कैलकुलेट करना है, तो आपके पास एक और तरीका है कि आप कर्ल ऑफ ए ले लीजिए एंड ओपन सरफेस इंटीग्रल कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल क्रॉस ए, ठीक है, डॉट डी एस। क्लियर है अच्छे से। तो सबसे पहले हमें डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करना होगा। तो डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करने के लिए हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमें दिख रहा है अच्छे से कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/ρ, और अंदर क्या होता है आपका, ए रो, रो ए फाई ए जेड, देन ∂ρ, ∂φ, ∂z। ठीक है, लास्ट रो क्या होती है, कैपिटल ए रो, रो कैपिटल ए फाई एंड कैपिटल ए जेड। तो आप कैपिटल ए रो और कैपिटल ए फाई और कैपिटल ए जेड की वैल्यू अपने क्वेश्चन से देख सकते हैं। कैपिटल ए रो कितना है आपका, रो कॉस फाई, एंड कैपिटल ए फाई कितना है, साइन फाई, और कैपिटल ए जेड कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। ये हो जाएगा आपका रो कॉस फाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रो साइन फाई, ठीक है ना, एक्स्ट्रा रो आपका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पर अब आपका डेल क्रॉस ए जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, 1/ρ आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखिए यहां पर आप जब इसे कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो पहला क्या है, ए रो है, तो ∂φ ऑफ 0 0 ही होगा, ∂z ऑफ रो साइन फाई, कोई z का टर्म ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए रो 0 माइनस 0 माइनस रो ए फाई। यहां पर ध्यान से देखिए आप, रो ए फाई के लिए देखें अगर, तो ∂ρ ऑफ 0 0 ही होगा, ∂z ऑफ रो कॉस फाई, फिर से z का कोई टर्म नहीं है, आंसर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 प्लस ए जेड। यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, ए जेड के लिए अगर आप ओपन करें तो ∂ρ, रो साइन फाई, ठीक है, रो का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। क्लियर है अच्छे से। और यहां पर साइन फाई जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ साइन फाई माइनस। इसे देखिए अब आप, ये आपने कर लिया ∂ρ, रो साइन फाई, माइनस क्या हो जाएगा, ∂φ, रो कॉस फाई। अगेन आपका जो यहां पर रो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कॉस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो रो साइन फाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो डेल क्रॉस ए कितना हो गया आपका, ये बन जाएगा आपका 1/ρ, ठीक है, साइन फाई देख लीजिए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1+ρ ए जेड, दिस इज योर डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो यहां पर आपका कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल ऑफ ए का सरफेस इंटीग्रेशन, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन। आपको पता है जब भी आप सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं कोई दो लेंथ आपकी चेंज होगी, ठीक है, तो अब अगर आप एबीसीडी पाथ को अच्छे से देखें, एबीसीडी सरफेस को अगर आप अच्छे से देखें यहां पर, ठीक है ना, क्लोज पाथ मीन सरफेस, तो आप देखिए यहां पर जो फाई है आपका वो 30 to 60 चेंज हो रहा है, और जो आपका जेड है वो चेंज नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप अच्छे से, और जो आपका रो है वो क्या चेंज हो रहा है, 2 to 5, ठीक है,
तो आपके रो और फाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा आपका ds जो होगा, ds की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं यहां पर साइड में आपके लिए, जो ds हो जाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, az हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। और आपके चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं यहां पर, d rho d phi, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अगर डायरेक्शन az है तो h1 h2 से कितना हो जाएगा, rho, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए डॉट डी एस डबल इंटीग्रेशन डी फाई डी जेड, ठीक है। आप देखिए एक्स्ट्रा रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर एक्चुअल में आपका डी फाई इंटू डी रो है, ठीक है। तो यहां पर आप सुधार लीजिए इसे, ये हो जाएगा डी फाई डी रो, ठीक है। नाउ अब आप देखिए आप एक्स्ट्रा रो से मल्टीप्लाई यहां पर कर रहे हैं, तो रो और रो भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बचेगा अंदर आपका, साइन फाई इंटू वन प्लस रो, क्लियर। नाउ लिमिट्स क्या हो जाएंगी आपकी, फाई की लिमिट क्या है आपकी 30 डिग्री टू 60 डिग्री और रो की लिमिट क्या है 2 टू 5, ओके। नाउ लिमिट्स आपकी कांस्टेंट है तो आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन फाई को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए और 1 प्लस रो को भी आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहां पर, क्लियर है अच्छे से। तो साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, माइनस कॉस फाई, ओके। लिमिट क्या है 30 डिग्री टू 60 डिग्री है और आपका 1 प्लस रो का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा रो और रो का कितना हो जाएगा, रो स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है आपकी 2 टू 5 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें यहां तक, ठीक है। तो आपका जो कॉस फाई है, चूंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई है, पहले आप लोअर लिमिट रख दीजिए, कितनी हो जाएगा आपका cos 30, cos 30 इज रूट 3 बाई 2, ओके, एंड cos 60 इज 1 बाई 2, सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें यहां तक। नाउ आपका जो रो है, रो की जो लिमिट्स हैं वो कितनी है, 2 टू 5 है, तो रो में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 25 माइनस 4 बाई 2, तो 21 अपॉन 2, ओके, क्लियर है अच्छे से आप लोगों को। तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 2, ठीक है। तो अगर मैं इसे अब सॉल्व कर लूं यहां पर, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है, मैं 2 को इस तरफ ले लूंगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, तो 27, एक्स्ट्रा 2 यहां पर है जिसको आपने एलसीएम लिया है और ये 2 यहां का, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 27 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब आपके लिए ये होमवर्क है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं स्ट्रोक्स थ्योरम, मतलब दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो जो हमने मेथड 1 से कैलकुलेट किया है, ये वाला आंसर मैं शो कर देता हूं आपको फिर से, ये आंसर रहा मेथड 1 का, और ये जो आपने मेथड 2 से कैलकुलेट किया है, ठीक है, दोनों आंसर आपके सेम होने चाहिए। आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करिए और वेरीफाई करिए, अगर डिफरेंट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रोक्स थ्योरम का यूज। आप चाहें तो स्ट्रोक थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि राइट हैंड साइड से ज्यादा इजी होगा, कैलकुलेशन लेस होगा, तो आप राइट हैंड साइड का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां कंसिडर करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एक थ्योरी है, एक प्रॉपर्टी है जो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं यहां पर। तो मैं यहां पर प्रूफ करने जा रहा हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ए ले लीजिए आप, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये मैं प्रूफ करूंगा यहां पर, ठीक है। तो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो सबसे आसान कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, आप उसको शुरू से यूज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग की क्लासेस से अपनी। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर ए को कुछ इस तरीके से ले लूं, ए एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए वाई प्लस ए जेड ए जेड, ओके। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, दैट इज डेल क्रॉस ए। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से आता ही है, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई एंड कैपिटल ए जेड। इसे आप ओपन कर लीजिए, तो जो आपका डेल क्रॉस ए है वो आ जाएगा ए एक्स, ठीक है,
ब्रैकेट में क्या आएगा आप देख लीजिए, डेल बाई डेल वाई ए जेड, ओके, तो आप इसे लिख लीजिए डेल बाई डेल वाई ए जेड माइनस, यहां क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ए वाई, ओके, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ए वाई, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना, माइनस ए वाई। अब यहां पर क्या बचेगा, देखिए अब आप ए वाई को ले रहे हैं तो डेल बाई डेल एक्स ए जेड, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड ए एक्स, ओके, तो पहला क्या है आपका डेल बाई डेल एक्स ए जेड, अगला क्या है डेल बाई डेल जेड ए एक्स प्लस ए जेड, इस पे क्या क्या होगा आप देख लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स, ठीक है, तो आप लिख लीजिए डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स, ठीक है, ये हमारा आ गया डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो हमने यहां पर प्रॉपर्टी के हिसाब से कर्ल ऑफ ए तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है और प्रूफ करना है कि ये जीरो होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ओके, तो ये हम प्रूफ करते हैं यहां पर, देखिए आप डेल डॉट डेल क्रॉस ए, दैट मीन्स आपको डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड लिखना है, जो कि आपका डेल होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको डेल क्रॉस ए के साथ, जो आपने ऊपर यहां पर निकाला हुआ है, इतना बड़ा मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं, हम डायरेक्टली ही कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। देखिए आप, आपको पता है जब भी आप डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो ए एक्स डॉट ए एक्स ही वन होगा, ए वाई डॉट ए वाई ही वन होगा और ए जेड डॉट ए जेड ही आपका वन होगा, बाकी सब आपके जीरो हो जाएंगे, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर देखिए डेल बाई डेल एक्स का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इस टर्म से होगा जो कि ए एक्स के साथ है डेल क्रॉस ए में, ठीक है, तो जब आप डेल बाई डेल एक्स का मल्टीप्लीकेशन इस टर्म के साथ करेंगे तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्लियर है अच्छे से, और इनटू क्या आ जाएगा ए जेड, ओके, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई ए जेड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, डेल बाई डेल एक्स का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा डेल बाई डेल जेड ए वाई से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड इंटू ए वाई, ठीक है, और माइनस साइन है आपका, तो माइनस डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड ए वाई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका ए वाई डॉट ए वाई वन है, तो डेल बाई डेल वाई का मल्टीप्लीकेशन डेल बाई डेल एक्स इंटू ए जेड से होगा, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू ए जेड, माइनस साइन है सामने आपका, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई इंटू ए जेड, ठीक है, क्लियर अच्छे से। नाउ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई होगा डेल बाई डेल वाई का मल्टीप्लाई होगा डेल बाई डेल जेड इंटू ए एक्स, तो ये क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल जेड ए एक्स, ओके, तो प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई डेल जेड ए एक्स, ओके। नेक्स्ट क्रम क्या हो जाएगा आपका ए जेड डॉट ए जेड वन होगा, सामने प्लस साइन है तो पहला साइन आपका प्लस ही होने वाला है, क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू ए वाई का मल्टीप्लाई किससे होगा डेल बाई डेल जेड से, तो कितना बन जाएगा ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल जेड इंटू ए वाई, ओके, तो प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल जेड इंटू ए वाई, और लास्ट साइन आपका माइनस ही होने वाला है, ठीक है ना, यहां माइनस साइन है आपका, तो डेल बाई डेल जेड का मल्टीप्लाई होगा आपका डेल बाई डेल वाई इंटू ए एक्स, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका डेल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल जेड इंटू ए एक्स, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका आ गया डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए। देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए जेड, देखिए यहां पर भी दिख रहा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए जेड, एक प्लस पे एक माइनस पे कैंसल, यहां पर देखिए आप माइनस डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड ए वाई,
यहां पर देखिए प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल जेड ए वाई, अगेन ये दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसल। इसको देखिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल जेड ए एक्स, ये क्या है माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल जेड ए एक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका जीरो। ठीक है, तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना, मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि जब भी आप किसी भी वेक्टर का पहले कर्ल निकाल लें उसके बाद अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा जीरो होगा। एग्जाम में भी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैलकुलेट करने के लिए मत जाइए, डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख दीजिए जीरो लिख दीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ और प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा और इन प्रूफ्स को आप कभी भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो एक और प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, वो है डेल क्रॉस ए ओके इज इक्वल टू डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए ओके। तो ये प्रूफ आपके लिए होमवर्क जरूर है, लेकिन इस प्रूफ को आप तब करने जाएंगे जब मैं आपको डेल स्क्वायर ए सिखा दूंगा अगली वीडियो में, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा अपने आप से। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है जो आप एग्जाम में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में ओके। तो ये आपका यहां पर जो कर्ल का जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में ग्रेडियंट भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब हम ग्रेडियंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट काफी बड़ा हो गया कर्ल का आपके लिए, इस वीडियो में आप पहले कर्ल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो डाउट्स हैं पहले उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लियर कर लीजिए, फिर हम ग्रेडियंट की तरफ आगे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके। गुड बाय।